तो हमारी जो न्यू टॉपिक है आज की क्लास की, और न्यू टॉपिक है कि हाउ कैन क्रिएटिंग नोट पैड फॉर वीवीए, मतलब वीवीए फॉर क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे आज के सेशन में, हम अभी अभी के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए, इसके लिए हम एक वीवीए मार्कअप प्रोग्रामिंग बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब नोट पैड, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिम टीएफ टेक्स्ट फाइल एज ए इंटीजर, ठीक है, और डिम फाइल पाथ एज ए स्ट्रिंग। दो वेरिएबल हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, दो वेरिएबल हम ले लेते हैं, और पी इक्वल टू हमें पाथ देना होगा कि कहाँ पे हमें चाहिए। तो मैं पाथ दे देता हूँ, मैं एनपी के पास दे देता हूँ, एनपी 2019 का देना चाहिए, सही रहेगा, बाद में नहीं दिक्कत नहीं। हाँ, 2019 का हमने पास दे देता हूँ, और स्लैश मैं यहाँ पे 1.txt दे देता हूँ। ये पास पहले आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टी एफ इक्वल टू फ्री फाइल, ठीक है, और फिर यहाँ लिखता हूं मैं ओपन ओपन, और यहाँ पे आपका फाइल पाथ पी फोर आउट पुट एज ए टी एफ, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं प्रिंट, कुछ टाइप करने के लिए आप प्रिंट होता है, प्रिंट हैश टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट जो फाइल है मैंने टी एफ कॉमा, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय नोट पैड, या कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सेम एक और लाइन चाहिए हमको, तो प्रिंट हैशटैग, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह तो होती नहीं है, सिर्फ टाइप ही लिखेंगे ना हम। ओके, आई क्रिएटेड नोट पैड, राइट। अगर तीसरा लाइन भी चाहिए तो तीसरा लाइन भी लिख सकते हैं, प्रिंट हैश टी एफ, और यहां पे मैं लिख दिया मान लीजिए थैंक्स, कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एक्चुअली कॉमा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्लोज, सेव एंड क्लोज दोनों होता है, क्लोज राइट सर। अब इसको एक बार रन करके देखता हूं मैं, और जाता हूं तो पहले से ओपन था, हाँ नोट पैड, राइट। अब कोड को समझिए, तो कोड है उस कोड को समझिए। अभी क्या है कि हमने से कि पाथ हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, कि यहाँ पे हम पहले लिख दिया था, जरूरी नहीं है मैं डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता हूँ, जहाँ पाथ है वहां भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, मैं डिफाइन कर लिया ताकि हमें ऊपर ऊपर में दिक्कत ना हो। ट्री टी एफ फॉर फ्री फाइल, अभी देखिए क्या है कि इंटीजर हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ, राइट। तो क्या होता है कि जो हमारा नोट पैड एप्लीकेशन है, या इसके लिए कोई डिजाइन विजाइन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है ऑब्जेक्ट को, वो फ्री फाइल के तौर पे आता है, लेकिन फ्री फाइल उसी वेरिएबल पे स्टोर होता है जिसका इन मतलब कि टाइप जो है आपका ए हो, मतलब कि इंटीजर हो, इसलिए भी इंटीजर डिफाइन किया।
तो TF इक्वल टू फ्री फाइल, फ्री फाइल होने के बाद ये नोटपैड पे चले जाएगा, फिर हमने ओपन किया कि ओपन P4 आउटपुट एज ए TF, ठीक है ना, कि फ्री फाइल इसको इस पाथ को ओपन करना है किस पे, फ्री फाइल पे। उसके बाद हम जो भी लिखना चाहेंगे प्रिंट कमांड्स होता है, प्रिंट 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 किस में करना है, तो TF 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 क्या करना है तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो एक बार में एक लाइन आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यूज क्या हो सकता है? अब इसका यूज मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ, अपनी अपनी बताता हूँ कि मैंने इसका यूज क्यों किया था। बेसिकली क्या था कि आप मेरी एक वेबसाइट देखते होंगे, एक वेबसाइट आप देखते होंगे हमारा, मैं वेबसाइट एक दिखाता हूँ, चलो वेबसाइट बंद हो गया या है, नहीं बंद हो गया है सर, excel.ip, हाँ यहाँ sujeevkumar.iptindia.com, ये वेबसाइट देख रहे हो सर, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने YouTube पे जो भी वीडियो डाली थी ना उस सबका पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया टाइटल, ताकि अब इसको इजीली यहाँ पे आप ढूंढ सके जो ढूंढना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पेजेस बनाए थे, जैसे इस पे मान लीजिए इस पे क्लिक किया हमने, तो क्लिक करने के बाद देखिए ये पेज क्या ओपन हुआ, V1 मतलब कि वीडियो 1 और हमारा पेज ओपन हुआ। तो इस पेज में आप देखेंगे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमारा एक टाइटल जो है वो टाइटल चेंज है, वीडियो का लिंक चेंज होता है, बाकी सब चीजें सेम होता है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना आपको सर। तो इसमें अब जैसे कि V1 हो गया, आप V2 देखिए, V2 में क्या है, ये आपका V2 है, तो V2 ये सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ हमारा ये वीडियो लिंक और ऊपर का हेडिंग। अब मैं इसकी ये दिखाता हूं आपको, इसका ये कहां से मिलता है, सोर्स कोड में जाके मिलता है, कहां मिलता है सर, उसको सेव एज क्या कहते हैं, उसमें कर दिए सर HTML में, नहीं मैं एक काम करता हूँ इसको खोल लेता हूँ, इस पर यहाँ दिख जाएगा ना excel.sujeevkumar.ipt, मेरा अपना वेबसाइट है sujeevkumar.co.in, मेरी प्रोफाइल वेबसाइट है। तो इसमें मैंने इसको लिया, वो हर पेज का सोर्स जो है सेम है, जरा सर की कॉल आ रही है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर हाँ, तो एक कोड था, इस कोड में सिर्फ ये चेंज था हमारा, ठीक है ना, और चेंज था ये यूआरएल का SRC जो दिख रहा है ना, ये लिंक चेंज था, बाकी सब चीज सेम था, और इस सबों का डेटाबेस मेरा पड़ा हुआ था एक्सेल में, ठीक है, और मुझे बनाने थे तकरीबन 2000 नोटपैड की फाइल, क्योंकि HTML बनती, राइट सर। मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देखिए ये हुआ, तो इसको वापस HTML में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कि मैं यहाँ TXT की जगह पे मैं डाल दूं HTML, राइट, तो ये HTML में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर। तो सारा कोड वोड जो भी था मैंने एक्सेल सीट पे रख रखा था, जिस कोड में जो जहां जहां ये ज्वाइन करना था वह कॉन्केटेनेट लगाया के इसको हमने 1500 नोटपैड फाइलों में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपके पास इस तरह कभी कभी नोट फाइल को एक्सेस करने का आएगा, तो क्योंकि कभी बहुत सारी चीजों पे नोट फाइल डेटा नोट फाइल में आती है, तो उसमें से कुछ पार्ट को अगर आपको लेना हो तो उस केस में आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको सर एक ये भेजा होगा, मैंने एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, मिला व्हाट्सएप पे भेजा आपने, हाँ एक लिंक मैंने आपको भेजा है, उस लिंक को अगर करेंगे तो उसमें एक है वीडियो क्रिएटिंग ए टेक्स्ट फाइल,
दूसरा है VVA for extracting all the text from the text file. ठीक है ना, modify the text file. VVA appending a text file. VVA deleting the text file. ठीक है ना, ऐसे text file को handle करने की तकरीबन इसमें जो है 6-7 example है. Okay, sir. तो उस एग्जाम्पल को आप ट्राई करके देखो, जो एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल को समझ में आपको नहीं आता है उस एग्जाम्पल को मुझे बोलिएगा, सर एक एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए, मैं आपको समझा दूंगा. ठीक सर. ठीक है सर. और दूसरी चीज, एक चीज और कीजिएगा, आप कोर्स को भी एक बार जरूर, कोर्स आउटलाइन को भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सर, और टॉपिक कौन कौन से मिसिंग है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी